बस संचालक ने जताई असमर्थता। आपको बता दें, तीन मांगे पूरी नहीं होने के कारण बसें नहीं चलाएंगे बस संचालक। घोषणा के बाद परिवहन मंत्री ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बस संचालकों के साथ बैठक होगी। अनुमति मिलने पर बस भी नहीं चल रही बसें। बता दें आपको, संचालकों ने बस संचालन में आपत्ति जताई है। तीन मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने कहा है कि वो बस नहीं चलाएंगे। घोषणा के बाद परिवहन मंत्री ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बस संचालकों से बैठक की जाएगी। तो आपको कुछ देर पहले ही खबर बताई थी, आज से बसों का सफर शुरू होने जा रहा है बहुत दिन बाद। और आपको बता दें, बस संचालकों ने मना कर दिया है बस चलाने से। उनकी कुछ शर्तें हैं और जब तक वो शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वो बस का संचालन नहीं करेंगे। तो असमर्थता जताई गई है बस संचालकों द्वारा। तीन मांगे पूरी नहीं होने तक वो बस नहीं चलाएंगे। घोषणा के बाद परिवहन मंत्री ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस संचालकों के साथ बैठक होगी। अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कौन से तीन मांगे हैं जिनको लेकर के बस संचालक अटके हुए हैं? वही जी बिल्कुल, आज से जो है बस जो है वो चलने के लिए राज्य शासन ने जो है अनुमति तो दे दी थी, लेकिन बस संचालकों उनका मानना है कि अभी जो है बस संचालित नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो उनका मानना है कि जो बीमा जो टैक्स है वो माफ किया जाए, पिछले छह महीने का जो टैक्स है वो माफ किया जाए। साथ ही उनकी दूसरी मांग है कि किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि बस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद अगर वो करते हैं तो यात्री जो है वो कम आएंगे, और यात्री कम आएंगे तो किराया भी कम होगा और पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। तो ऐसे में अगर वो बस संचालित करेंगे तो उन्हें किसी तरह का फायदा नहीं होगा। इस तरह की उनकी तमाम मांगे हैं जिसे लेकर आज बस संचालकों की बैठक है, और इसके बाद रायशुमारी की जाएगी और इसके बाद भी जो कुछ फैसला है वो लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और कोरोना के